कहते हैं कि इतिहास हमेशा अपने पुराने काम को दोहराता जरूर है। कुछ ऐसा ही नजर आया देवरिया में, जब 40 साल से भी पहले हुई एक हिंसा ने एक बार फिर से वैसी ही स्थिति उत्पन्न कर दी। इसके बाद ही ये एक बार फिर से तय हो गया कि इतिहास भविष्य में लौटता जरूर है। दरअसल 2 अक्टूबर को देवरिया के रुद्रपुर तहसील में एक ऐसा कांड हुआ था जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में अचानक से हंगामा मच गया। जो एक तरफ योगी सरकार ने तत्काल 15 से 16 स्टाफ को सस्पेंड कर दिया, इनमें से पुलिस से लेकर प्रशासन का महकमा शामिल था। इसके अलावा योगी सरकार ने उन लोगों के ऊपर भी FIR की जो लोग इसके पहले इस कांड में संलिप्त रहे हैं, यानी जिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने इसमें हीला हवाली बरती थी। 2 अक्टूबर को ही पहले प्रेमचंद यादव की हत्या होती है, जिसके बाद ही उसके समर्थन में गुस्साई भीड़ ने 5 लोगों की और निर्मम तरीके से हत्या कर दी, जिनमें सत्यप्रकाश दुबे का परिवार शामिल था। इसके बाद से ही जांच चल रही है। 16 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने देवरिया का दौरा किया और उसके बाद योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुछ ऐसी ही स्थिति देवरिया में तब हुई थी जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार केंद्र में हुआ करती थी। 14 जनवरी 1980 की घटना के बारे में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी इंदिरा गांधी ने। यूपी में जनता पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री बनारसी दास थे। फतेहपुर से कुछ दूर पर ही जो अब कुशीनगर का इलाका है, वहां 11 जनवरी 1980 को एक बुजुर्ग महिला को बस ने कुचल दिया। इसके बाद हंगामा मच जाता है। ग्रामीणों ने उस पूरे इलाके को घेर लिया और वहां पर हंगामा मच गया। उसके बाद पुलिस ने गुस्साए ग्रामीणों और बस मालिक के बीच मुआवजे पर सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन सहमति नहीं बन पाने से ग्रामीणों का पारा चढ़ गया। फिर अचानक 14 जनवरी को मकर संक्रांत की रात, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसी दिन इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, गांव में PSC की टीम तैनात की गई थी। इसी रात को PSC ने ग्रामीणों पर हमला किया। कहा जाता है कि इस दिन लूटपाट, पिटाई और महिलाओं की इज्जत लूटी गई, जिसे अंजाम दिया था PSC ने। ये शर्म की बात थी उस समय। इसमें कम से कम 2 लोग मारे भी गए। गांव के अधिकांश निवासी अनुसूचित जाति और मुस्लिम समुदाय से थे। हैरानी की बात यह थी कि इस घटना को लखनऊ यानी राजधानी तक पहुंचने में ही 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लग गया। फरवरी में मुख्यमंत्री बनारसी दास ने विधानसभा को इस बात की जानकारी दी कि न्यूज़पेपर के माध्यम से उन्हें 23 जनवरी को इस घटना की जानकारी मिली। यानी आज जिस समय सोशल मीडिया का जमाना है, सेकंड भर में आग लगाई जाती है और आग बुझाई जाती है, वो उस समय नहीं हो सका। हालांकि तब भी इस आवाज को उठाने का काम मीडिया ने किया। बाबू बनारसी दास की सरकार पहले से ही संकट में थी, क्योंकि केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार लौट चुकी थी। इसके कारण बनारसी दास के पार्टी से, यानी जनता पार्टी के कई विधायकों ने पार्टी को छोड़ दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। ऐसे समय में मुश्किल और बढ़ गई बनारसी दास की। इंदिरा गांधी ने तय किया कि वो इस शहर यानी देवरिया का दौरा करेंगी और उस गांव में जाएंगी, यानी नारायणपुर में जाएंगी, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। बनारसी दास हर प्रयास करते हैं कि उनके इस कांड को छुपाया जा सके, यानी उनकी सरकार में जो ये कांड हुआ था वो छुपाया जा सके। इसके लिए नारायणपुर से सटे इलाके के ग्रामीणों से वो प्रेशर डलवाकर, यानी एक तरीके का माहौल बनाकर उनसे ये कहलवाते हैं कि बाबू बनारसी दास की सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। लेकिन इंदिरा गांधी अपनी जिद पर अड़ी रही और वो वहां का दौरा करती हैं। दौरे के बाद ही वो राज्य सरकार को बर्खास्त कर देती हैं। राज्य सरकार गिर जाती और 100 से अधिक दिनों के लिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन अपने आप में इस देवरिया कांड ने भी पूरी राजनीति को बदल दिया था। कहा जाता है कि इस दौरान दलितों का साथ क्षत्रियों ने दिया था। बहरहाल इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी के हम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें 1 इंडिया प्लस। नमस्कार।